सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मास्टर जी को और दबाएं इस घंटी को ताकि आप पा सकें सिक्योर नोटों की जानकारियां सबसे पहले। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी पे। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ 5 रुपए के दो ऐसे सिक्के जिनको 2015 में ही जारी किया गया था, लेकिन ये दोनों ही सिक्के काफी रेयर है और आप लोगों को आसानी से देखने को नहीं मिलेंगे। और इन दोनों ही सिक्कों के बदले आप लोगों को काफी अच्छी कीमत मिल जाएगी। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोग इन सिक्कों के बदले कहां और कैसे सबसे अच्छी कीमत पा सकते हैं। तो इन दोनों ही सिक्कों की सही कीमत और पूरी जानकारी पाने के लिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक भी जरूर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही उस बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आप देख सके उन वीडियोस को सबसे पहले। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, इन दोनों ही सिक्कों पर अगर आप लोग देखेंगे तो इन पर वर्ष लिखा हुआ है 2014, लेकिन इन दोनों ही सिक्कों को जारी किया गया था 2015 में। तो दोस्तों, इनमें से पहले सिक्के की बात की जाए तो ये है 5 रुपए का सिक्का जिसको जारी किया गया था जमशेद जी टाटा के 175वें जन्म दिवस के अवसर पर। और जमशेद जी टाटा वही है जिन्होंने टाटा ग्रुप्स की नींव रखी थी और जमशेद जी टाटा को फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का खिताब भी मिला हुआ है। तो इनका जन्म हुआ था 1839 में और 2014 में इनके जन्म के 175 वर्ष पूरे हुए थे। और इसी अवसर पर जारी किए गए थे ये दो सिक्के जिनमें था 5 रुपए का और 100 रुपए का सिक्का, जिनमें से ये 5 रुपए का सिक्का एक नॉर्मल सर्कुलेटिंग कमेमोरेटिव कॉइन था, जबकि ये 100 रुपए का सिक्का एक नॉन सर्कुलेटेड कॉइन था जो कि सिर्फ प्रूफ और यूएनसी सेट्स में ही जारी किया गया था। तो ये जो 5 रुपए का सिक्का आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हैं ये एक नॉर्मल सर्कुलेटिंग कॉइन है जो कि आप लोगों को आम चलन में भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसकी मिंटेज कम और इसकी डिमांड ज्यादा होने की वजह से ये एक स्केयर सिक्का माना जाता है। और ये सिक्के काफी सारे कलेक्टर्स के पास नहीं है, इसलिए सिक्के की काफी ज्यादा डिमांड भी है। तो इस सिक्के के एक तरफ आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर बना हुआ है जमशेद जी टाटा का चित्र और उसके नीचे लिखा हुआ है 1839 से 2014 और ऊपर की तरफ हिंदी में लिखा हुआ है 175वां जन्म दिवस जमशेद जी नसरवान जी टाटा और इसके नीचे अंग्रेजी में भी 175th बर्थ एनिवर्सरी जमशेद जी नसरवान जी टाटा लिखा हुआ है। और दूसरी तरफ देखे तो यहाँ पर अशोक स्तंभ का चित्र सत्यमेव जयते के साथ बना हुआ है और इसके नीचे ₹5 और इसके दोनों तरफ भारत और इंडिया लिखा गया है। तो दोस्तों, ये सिक्का बना हुआ है निकिल ब्रास से और इसका वजन है 6 ग्राम और इस सिक्के को भी 2 मिनटों में बनाया गया था। जो पहली मिनट थी वो थी मुंबई मिनट और दूसरी थी कोलकाता मिंट। और मुंबई मिंट के सिक्कों पर आप लोगों को इस जगह पर एक डायमंड मार्क बना हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर आप कोलकाता मिंट के सिक्कों पर देखेंगे तो ऐसा कोई मार्क आप लोगों को नहीं नजर आएगा। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ये जारी हुआ था 2015 में, तो यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा सिक्का है वो भी एक 5 रुपए का सिक्का है और इस सिक्के को भी 2015 में बेगम अख्तर की जन्म शताब्दी पर जारी किया गया था। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि बेगम अख्तर कौन थी तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हमारे देश की एक प्रसिद्ध क्लासिकल सिंगर थी और इनका जन्म हुआ था 7 अक्टूबर 1914 में, जिसको 2014 में 100 वर्ष पूरे हुए थे, जिसके उपलक्ष्य पे ये दो सिक्के जारी हुए थे जिनमें था एक 5 रुपए का सिक्का और एक था 100 रुपए का सिक्का। तो ये 5 रुपए का सिक्का एक नॉर्मल सर्कुलेटिंग कमेमोरेटिव कॉइन था, लेकिन ये 100 रुपए का सिक्का एक नॉन सर्कुलेटेड कॉइन था जिसको सिर्फ प्रूफ और यूएनसी सेट्स में ही जारी किया गया था। तो इस 5 रुपए के सिक्के की बात की जाए तो ये सिक्का भी बना हुआ है निकिल ब्रास से और इसका भी वजन है 6 ग्राम और इनको सिर्फ 2 मिनटों से जारी किया गया था जिनमें थी कोलकाता मिंट और मुंबई मिंट। तो मुंबई मिंट के सिक्कों पर आप लोगों को एक डायमंड मार्क दिखाई देगा, जबकि कोलकाता मिंट के सिक्कों पर ऐसा कोई भी निशान नहीं बना होता है। तो इस सिक्के के एक तरफ आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर बना हुआ है बेगम अख्तर का चित्र और उसके नीचे 1914 से 2014 लिखा हुआ है और ऊपर हिंदी में बेगम अख्तर की जन्म शती और नीचे अंग्रेजी में बर्थ सेनेटरी ऑफ बेगम अख्तर लिखा गया है और पीछे का डिजाइन बिल्कुल पिछले सिक्के के ही जैसा है। तो अभी बात कर लेते हैं इन दोनों ही सिक्कों की कीमत की। तो इन सिक्कों की कीमत इनके मिंट के हिसाब से अलग अलग है, जिनमें से ये सिक्का अगर आप लोगों के पास मुंबई मिंट का है तो आप लोगों को इसके यूएनसी कंडीशन में मिल सकते हैं 200 रुपए के आसपास, और अगर यही सिक्का आप लोगों के पास कोलकाता मिंट का है तो आपको उसके यूएनसी कंडीशन में मिल सकते हैं 100 रुपए के आसपास। वहीं इस तरह के प्रूफ सेट की जो मार्केट वैल्यू है वो है लगभग 4500 रुपए, जबकि यूएनसी सेट की आज के टाइम पे मार्केट वैल्यू है लगभग 3500 रुपए। और यहाँ पर जो दूसरा सिक्का हमारे पास है, अगर ये सिक्का आप लोगों के पास मुंबई मिंट का है तो इसके भी आप लोगों को यूएनसी कंडीशन में मिल सकते हैं लगभग 100 रुपए के आसपास, लेकिन अगर यही सिक्का है आप लोगों के पास कोलकाता मिंट का तो उसके आप लोगों को सिर्फ 30 रुपए से 50 रुपए के आसपास ही मिल पाएंगे। और अगर आपके पास ऐसे प्रूफ और यूएनसी सेट तो आपको उनके मिल सकते हैं 4200 रुपए से 5000 रुपए के बीच में। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे कोई 5 रुपए के सिक्के तो आप लोग उन्हें संभाल के जरूर रखें, क्योंकि ये दोनों ही सिक्के काफी कम मात्रा में बनाए गए थे और इनकी आगे आने वाले समय में काफी ज्यादा डिमांड होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे एक लाइक जरूर करें और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपके पास ऐसा कोई सिक्का है या नहीं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके इन कीमती सिक्कों के बारे में। और अगर आप लोग अपने पुराने सिक्कों को बेचने के तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने ये वाली वीडियो पहले से ही बना रखी है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि
आप अपने पुराने सिक्कों को कहां और कैसे सबसे आसान तरीके से बेच सकते हैं। और इस वीडियो को आप लोग अभी ऊपर दिए गए इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने ये वाली वीडियो भी बनाई थी जिसमें आप लोगों को और भी ज्यादा तरीके मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले तो नीचे दिए गए उस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को अभी क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही उस घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोस मिल सके सबसे पहले। और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों को हमारी वीडियोस को ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद आप लोगों को सब्सक्राइब सेक्शन में मिल जाया करेंगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए नोटों और सिक्कों से जुड़ी हुई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी लाता रहूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।